आते। आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जी, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुके, आपके सामने जो विकल्प है सामने है चुनाव में, अब वोटिंग में कुल जमा 5 दिन बच गए, तो क्या सोच रहे हो इस बार? केंद्र सरकार ने केवल 2 काम किया, बिजली बिल 2 गुना लेना, जनता को रात भर खेतों में सुलाना, तीसरा काम दे दिया नवयुवक इधर उधर टहलते रहे, किसी ऑफिस में चले जाओ बिना 200-500 दिए उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, विधवा पेंशन में पैसा चाहिए, कोई एक अधिकारी नहीं है जो कि बिना पैसा घूस लिए काम कर दे। मैं 10,000 रुपए जुर्माना दूंगा इंडिया के चैनल के सामने कह रहा हूँ कि किसी जगह चले जाओ, एक व्यक्ति खड़ा है पूछो विधवा पेंशन के लिए कितनी बार गया है, अच्छा, और 8 दिन तक इसकी पेंशन नहीं बनी हुई। तो घूस मांगते हैं सब? घूस मांगते हैं, खुला मांगते हैं, योगी सरकार और मोदी सरकार की मांगते हैं। अच्छा, नहीं, यहाँ तो योगी जी की सरकार है, अगर राज्य सरकार का, केंद्र सरकार मोदी जी की है, मोदी जी चला रहे हैं, केंद्र चला रहे, मिली जुली सरकार है राज्य में और केंद्र में भी है, मान लो, तो कहाँ घूस मांग रहा है इनसे, कहाँ घूस लोग कितनी बार गए? एक मिनट सुनने दीजिए, हाँ क्या कर रहे हैं, एक मिनट सुनने दीजिए, क्या शुभ नाम है आपका? वेद प्रकाश यादव। किस चीज के लिए घूस मांग रहे हैं आपसे? पैसा हमारे पिताजी के नाम है, वो एक्सपायर हो गए हैं, हाँ, उसको हमारे नाम करने के लिए पैसा 5,000 मांग रहे हैं। पेंशन के लिए? किस चीज का है? पैसा ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा, अकाउंट में जो पैसा उसको? मेरी माँ हो गई विधवा पेंशन, 2 बार कराया, वहाँ जाते पैसा मांगो। तो एक मिनट, कहाँ ट्रांसफर, बैंक में ट्रांसफर करवा रहे हो? कौन पैसा मांग रहा है, कौन, कोई विभाग, अधिकारी जो बैठे हैं, किस विभाग का अधिकारी, किस अधिकारी? बैंक मान रहा है, तो बैंक की कहानी थोड़ी अलग हो गई, कौन सा बैंक है वो? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया ना, उसमें योगी मोदी कहाँ से आ गए? किसमें विभाग मांग रहे हैं? किसी विभाग 5,000 मांग रहे हैं, ऐसा काम करने के लिए 5,000 चाहिए। किस चीज के लिए? यही अभी आज तक जो मिल रहा है खेत का पैसा, एक भी नहीं मिला है, 3-4 बार में कराया हूँ उसको ऑनलाइन। खेत का पैसा जो 6,000 रुपया आता है प्रधानमंत्री किसान, एक पैसा नहीं पाए हुए है। एक बार योगी जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसानों के खेतों में टहलने, जो कि वादा किए थे कि 5 अप्रैल के बाद हमारा पशु नहीं मिलेंगे यूपी में, उसकी व्यवस्था की जाए। आज सिक्रेटरी प्रधान जो भी हैं, थोड़ा पीछे हट जाइए, आप घूम के देख लीजिए हमारा पश्च है नहीं, मीडिया के सामने लेके चलो हम दिखाएं, किसान खेत में सो रहे हैं और मोदी जी योगी जी एसी में सो रहे हैं। जो जनता की कमाई है वो जनता ने बनाया है मोदी योगी को, उनको जीवन भर पेंशन चाहिए, कर्मचारी को एक पेंशन नहीं चाहिए, युवा का रोजगार नहीं चाहिए, जो किसान सब्जी उड़द बो रहे हैं वो खेत में सो रहे हैं। मैं योगी जी को चैलेंज देता हूं कि यूपी में घूम के देखें, खेत खनियार में घूम के देखें। लेकिन मैं यूपी छोड़ दूंगा अगर उनका कार्यकाल सही रहा होगा। नहीं, योगी जी तो आए थे यहाँ 2 दिन पहले, जी कहाँ आए, वहाँ पे आए, जो उनके चमचे थे वहाँ पे लेके गए हैं, किसान खरियान में जाके देखे योगी जी। हाँ, तो ये किसानों की समस्या, 2,000 में काम होगा किसान का? 5 किलो दे देंगे तो 8 क्विंटल गेहूँ चल ले रहे हैं हमारा पास। जितने भाजपा के कार्यकर्ता हूँ, उनके अधिकारी हूँ, उनसे पूछिए उनका खेत चरा जा रहा है कि नहीं चरा जा रहा है। अब चलिए जरा इधर, मीडिया लगाइए, मैं दिखा रहा हूँ, 2 बीघा चरे हैं, मैं खुद लगाया। अब एक मिनट हाथ जोड़ता हूँ, झूठ की रोटी खा रहे हैं भाजपा वाले, खेती नहीं बो रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। एक मिनट आप लोगों से कहा, एक मिनट हाथ जोड़, खेत नहीं होगा जो झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं भाई साहब हलवीन होंगे भाई साहब हल्ला नहीं करो, हल्ला करिएगा तो बात, भाई हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, उससे बात नहीं हो पाएगी। एक मिनट प्लीज, ऐसे मत, बच्चे सब, बेटा आप लोग पीछे, पूरी यूपी में आप जरा बात तो करने दो, हाँ करिए, बाकी लोगों से बात, ये लोग हंगामा कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे। चलिए एक मिनट भाई साहब, एक मिनट देखिए, एक छोड़िए ना, ये बात तो सही, एक मिनट एक भाई साहब, आप अपनी बात नहीं उठाएंगे, अरे आपसे आग्रह है जरा शांत रहिए, बात कर लेते। ये बात तो है कि मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ, बहुत किसान मिल रहे हैं हमारा पशु से परेशान है, और अगर वो मुद्दा नहीं होता तो 2022 में प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह रहे थे एक बार सरकार बना दो और हमारा पशु से मुक्ति मिल जाएगी। कांग्रेसी माइंड लोग 2017 में मुद्दा बनाए उसमें हार खाए, 2019 में हार खाए सर,
2022 में हार खाए, 2024 में भी हार खाएंगी और एनडीए 400 पार जाएगा। अरे एनडीए 400 पार जाए चाहे नहीं, पहले पूछ रहा हूँ आवारा पशु की समस्या है या नहीं? सर थोड़ी समस्या है सर, हम आप तो छोड़ देते हैं, हम आप तो छोड़ते हैं सर, दूध बेचकर छोड़ देते हैं। एक 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 तीन तीन महीने एक एक करके कोई बताए हमारा पर छोड़ता कौन है, योगी छोड़ते हैं कि मोदी? एक एक करके एक एक करके देखे, इधर सर शूट हो रहा है ना, देखिए कैमरा इधर दूध के छोड़ देते हैं सर, तीन तीन महीने बछुआ छोड़ देते हैं सर। अच्छा आप चलिए एक मिनट, एक मिनट पीछे हल्ला कर रहे हैं आप लोग, बेरोजगारी पे बात। हाँ चलिए आइए एक मिनट, हल्ला गुला पीछे पत्रकार बंद कर दिया गया, केवल 200 रुपए बोला की जनानी, एक लेडीज से वो पत्रकार ने पूछा दादी आप यहाँ पे कैसे आई, बोली भैया 200 रुपए पे हमें भारत जनता पार्टी वालों ने बुलाया, एक साड़ी राय बरेली में चार, आप बोलिए ना, मैं एक आंख से अंधा हूँ, दो आंख से अंधे हो गए। चलिए ठीक है, यही राहुल जी को तो दिए थे उन्होंने उपमा की, बेईमान है चोर है वही चोरी करेंगे, देश का सुधार कैसे करेंगे? नवयुवा का पेपर लीक हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, गारंटी दे रहे हैं खेतों की कि रोजगार लीजिए खेतों में। स्मृति ईरानी जी ने यहाँ अमेठी में आया था, 450 रुपए में कांग्रेस सरकार में सिलेंडर था, 10 साल की सरकार में 1200 रुपए में सिलेंडर दिया, 13 रुपए में चीनी थी। कहाँ 20,000 खर्च के गया हो तो ही तार खिंचाओ, क्या क्या तार खिंचाओ तो ही सब चल लिए, कहां का की है बताओ? नहीं क्या समझाइए, नहीं समझा, जानवर से सर परेशान, जानवर परेशान है, वहां भी चलते दो एक मिनट चलते हैं, वहां भी चलते हैं बात कर लीजिए, क्या चीज है वहां बताइए ना, 100,000 सामान देखिए ना, 2 बीघे किसान और 20,000 का सामान लेके आग लग जा रही, मुआवजा नहीं मिल रहा, खर्चा मशीन लगा हुए हैं और उसके बाद एक भी गए पे 18,000 खर्च आ रहा है, क्या मतलब कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत मुसीबत है, अभी देखते हैं एक 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 इसी सरकार में इनकी भतीजी को नौकरी मिली है, कहां के का अब आप लोग आपस में बहस मत करिए, आप इधर अब हम बाहर जाते हैं, आप लोग बहस मत करिए आप लोग देखिए, अब ये लोग आपस में बहस कर रहे हैं और ये मीडिया को लेकर देखिए नाराजगी, मैंने पहले भी कहा थोड़ा माइक हटा लीजिए कि जैसे बहुत सारे लोगों को लग गया कि मैं यहाँ आऊंगा और इनकी बात दिखाऊंगा, नहीं आपका शुभ नाम आप इनसे बात हुई अच्छा, तो आप देखिए ये नाराजगी है, लगता है कि लोग रिकॉर्ड कर लेंगे नहीं दिखाएंगे, नहीं बिल्कुल आप दिखाएंगे, मैं तो रोज आपका रात में 2 बजे तक देखता हूँ। हाँ अब देखिए वो नाराज हो रहे हैं अभी पे, क्या आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? ताला नहीं खोलवाया था प्रधानमंत्री, ₹13 चीनी वाला छेड़ दिया, एक मिनट सर, लाल कार्ड वाले पा रहे हैं सर, लाल कार्ड वाले सर पा रहे हैं, लाल कार्ड वाले चीनी सर पा रहे हैं, लाल कार्ड कांग्रेस राज में एक तरफ से चीनी मिलती थी, अच्छा आप गरीब अमीर सबको मिलती थी, कांग्रेस के नेता हम कांग्रेस के नेता नहीं है, कौन है कोई पद दिखा दे, मैं पहाड़गंज छोड़ दूंगा, ARSS के हैं, ARSS के अच्छा चलो कोई बात नहीं, किसी के कोई रहे कोई बात, कांग्रेस से फायदा भी लिए हैं, विरोध भी कर रहे हैं, आप तो माइक छोड़ ही नहीं रहे, आप तो छोड़ो, तो सब लिए हैं सर फायदा, 2000 हर घर में जा रहा है, उसका क्यों नहीं एहसान चुका रहे हैं, हर घर में 2000 जा रहा है, 5 किलो राशन सब लोग, अब देखो यहाँ बहुत भीड़ लग गई, थोड़ा पीछे हटिए और हम लोग यहाँ से इस चौराहे से इस बातचीत को अब खत्म करेंगे, धीरे धीरे भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा, आप युवा हो आप जरा अपनी बात कहो, ए ट्रैफिक है, थोड़ा पीछे हटिए, पीछे ये बताओ आप लोग सब मिलके, यहाँ ज्यादा लोग हो गए इधर, इस पे आप लोग एक बीजेपी के 2-4 समर्थक है उस पर ज्यादा चिल्ला लेंगे, इनके जवाब पेट्रोलियम मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा ने यहाँ ने गैस का शुरुआत किया था, सिलेंडर था कोई भी रोड बनता है कोई भी हाईवे बनता है कहते हैं इसको कांग्रेस ने किया था,
आतंकवादी घुसता था, आज वही बॉर्डर में ठाए 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 ठा निपटा दिए जा रहे हैं। पुलवामा में जो शहीद हो गए क्योंकि अपना इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार में कितने मरते थे आज कितने मर रहे हैं। पहले जवाब नहीं दिया जाता था, आज जवाब दिया जा रहा है। पहले मार के चले जाते थे, आज उनको वहीं पे भून दिया। एक भी बैंक के सामने मार दे रहे हैं। चलो ठीक है, अब एक मिनट नहीं, इनकी बात भी आने दीजिए, ऐसा मत करिए। जो बीजेपी सपोर्टर है उनकी भी बात आनी चाहिए। सर गौरीगंज विधानसभा है, सर गौरीगंज विधानसभा है, और गौरीगंज विधानसभा में सर बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, चुनाव के बाद सर आइएगा जरूर। 30,000 से 40,000 लीड यहाँ से स्थिति रानी जी ली। चलिए अब चलते हैं, बहुत शोर शराबा चुकी, बहुत ज्यादा होगा। आपका क्या नाम है, भाग रहे हो इधर? चलिए बहरहाल बहरहाल इस चौराहे से क्या, इस चौराहे का क्या नाम है फिर से? पहाड़गंज। और उसके बाद मैं अब पंडरी को जाऊँ, अब रात में नहीं जाऊंगा। और आप लोग कोई कहेंगे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि पीछे पीछे आप लोग आ जाएंगे। हम नई जगह पे जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम किसी के चलने से नहीं चलते हैं, हम इंडिपेंडेंट जाते हैं। चलिए बहरहाल, तो इस वीडियो को इस चौराहे से ख़त्म करते हैं। मेरा मकसद है इसी चौक चौराहे पर लोगों से बात करना। फिलहाल उस सरकारी कर्मचारी को मैं सलाम करूँगा जो सरकारी नौकरी में रहते हुए जोखिम मोल लेते हुए जरूरी बातें कह गए। शुक्ला जी, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उनका, लेकिन कृष्णकांत शुक्ला जी, जोखिम मोल लेते हुए उन्होंने कुछ जरूरी बातें कही इस वीडियो के शुरुआत में। फिलहाल मैं इस अमेठी लोकसभा क्षेत्र के इस इलाके से अपना वीडियो खत्म करता हूँ। अमेठी रायबरेली में जो बाकी पाँचवें दौर के चुनाव है, उसमें इन दो सीटों पर भी चुनाव है। 20 तारीख को मैं 20 तारीख को यहाँ रहूँगा, उसके पहले भी यहाँ रहूँगा, और यहाँ की स्थितियाँ बताते हुए और आसपास के कुछ इलाकों में भी जाऊँगा, फिर बाद में भी आएंगे। फिलहाल नमस्कार, शुभ रात्रि।